दोस्तों उड़ान भरने के मिनट भर बाद ही इंजन फेल होने से बंद हो गया प्रोपेलर और मकान के छत पर नीचे ही जाकर ग्लाइडर जो है गिर पड़ा और क्रैश हो गया। बरवा अड्डा हवाई अड्डे से उड़ान भरने के 1.5 मिनट बाद गिरा ग्लाइडर, बाल बाल बचे लोग और पायलट और सवार जो घायल है वो नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ और लाइव दिखाती हूँ जो ग्लाइडर जो है कहाँ पर गिरा, कैसे गिरा और ये कितने बजे गिरा, पूरा लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो पर अंत तक बनी रहिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बरवा अड्डा हवाई अड्डा से उड़ान भरने के 1.5 मिनट बाद ही VT-GDI नामक ग्लाइडर बिरसा मुंडा पार्क के समीप व्हाइट डुप्लेक्स कॉलोनी में नीलेश कुमार के पोर्टिको के पिलर से टकरा कर जो है क्षतिग्रस्त हो गया। घटना गुरुवार की शाम 4:45 की है। पायलट बलवंत कुमार पटना निवासी 14 वर्षीय कुश कुमार को लेकर जॉयराइड पर निकले थे। रनवे से उड़ान भरने के 1 मिनट बाद ही ग्लाइडर को प्रोपेलर जो है होता है प्रोपेलर बंद हो गया और इसके बाद पेड़ और बिजली के तार से टकराते हुए नीलेश कुमार के आवास में घुसकर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में पायलट बलवंत और कुश को चोटें आई है। कुश को इलाज के लिए सरफी और बलवंत को जलान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना स्थल को अपने घेरे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक घटना की जांच जो है DGCA जो कर रही है, उसके बाद ही DGCA की देखरेख में ग्लाइडर को हटाया जाएगा। पायलट बलवंत कुमार ने बताया कि इंजन फेल होने की वजह से ग्लाइडर जो है अनियंत्रित होकर दुर्घटना जो है ग्रस्त हो गया। जी हाँ दोस्तों, और ये जो है 4:43 पर ग्लाइडर ने जो है वो उड़ान भरी थी और 4:44 पर ग्लाइडर का जो इंजन है वो बंद हो गया और 4:45 पर ग्लाइडर जो है घर पर जाकर गिर पड़ा। तो जॉय राइडिंग के समय ही वीडियो बना रहा था कुश कुमार, जिसका वीडियो जो है लाइव जो है एक शख्स ने डाला है और उस लाइव वीडियो में ही आप देखोगे किस तरीके से जो है ग्लाइडर गिर गया। जख्मी कुश पटना बोरिंग रोड पचमुखी मंदिर निवासी अभिषेक सिंह के पुत्र हैं और कुश पटना से अपने बड़े भाई के साथ बाबू डी में अपने रिश्तेदार के यहाँ आया था। भाई के साथ जॉय राइड के लिए वो पहुंचा था। कुश जॉय राइडिंग के दौरान अपने मोबाइल से वीडियो भी बना रहा था। दुर्घटना के बाद उसका बनाया वीडियो सामने आया और वीडियो 2:50 का है जिसमें ग्लाइडर हवा से गिरते हुए दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, और यही तत्काल जो है DCA के दौड़े के समय जॉय राइडिंग शुरू हुई थी, बाद में यह बंद हो गई थी। अगस्त 2022 में फिर से यह शुरू हुई और 80 CHP सिंगल इंजन के ग्लाइडर पर एक राउंड के 800 रुपये लगते थे। जी हाँ दोस्तों, एक राउंड के 800 रुपये लगते थे और ये जो है लोगों को घुमाता था, शेयर कराता था। जो है आज जो है मकान पर ग्लाइडर जो है वो क्रैश कर गया। दोस्तों इसका वीडियो मैंने आप सभी को पूरी तरीके से दिखाया और लाइव दिखाया, तो उम्मीद करूंगी इस सही जानकारी को सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि जो फैक है, फेक न्यूज़ बनाने वाले लोगों को मैं बोलना चाहूँगी कि इस तरीके से कुछ भी अगर न्यूज़ आती है तो आप फेक वीडियोज़ ना बनाएं, सही सही जानकारी लोगों तक दें। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।